आपको यहाँ पर गोड़फड़ दिखी तो उसको इग्नोर कर, हमारी इतनी लिटरली फट चुकी थी। तो देख, तो गाइस देख सकते हो थोड़ी अंदर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर से मंदिर की एंट्री होती है। मैं आपको बोल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डायनामाइट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं हमारी न्यू डेस्टिनेशन पे, जो कि आपको बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मंडलेश्वर में बहुत पुराना डैम है, जहाँ पर पावर हाउस भी है, वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती थी एंड वहाँ पर पूरे आसपास के शहरों में बिजली ट्रांसफ़र भी की जाती थी। तो गाइस आज बहुत प्राचीन मंदिर भी देखने वाले हैं, जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, पूरी ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है, वो मंदिर भी आपको दिखाने वाला हो। तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं इस व्लॉग को। इस टाइम हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और ये इधर से कहीं घूम के आ रहे हैं। देखो सही, तो गाइस यहाँ पर से मंदिर की एंट्री होती है। मैं आपको बोल रहा था ना व्लॉग में कि बहुत प्राचीन समय के मंदिर भी आपको बताए जाएंगे व्लॉग में। तो गाइस ये बहुत प्राचीन समय का मंदिर है और ये ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है ये मंदिर। ये मंदिर का नाम है श्री छप्पन देव मंदिर। सो ये महादेव है यहाँ के, आपको अंदर भी ले जाऊँगा। गाइस ये है हमारे बाबा जी, श्री छप्पन देव महादेव मंदिर। ये बहुत प्राचीन समय का मंदिर है हमारे मंडलेश्वर में, बहुत बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो गाइस ये मंदिर की परिक्रमा है, ये मुझे तो पता नहीं है कौन से भगवान है, मगर यहाँ पर विष्णु जी है शायद। एंड ये एंट्री में आपको दिखाए थे, ये छप्पन भगवान की ही मूर्ति है, ये दोनों ही शायद छप्पन देव भगवान की ही कोई प्रतिमा है, मुझे नहीं पता, इस आइडिया नहीं है इस बारे में। ये नंदी देव एंड यहाँ से अपने महादेव। गाइस ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी शिवलिंग है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी। तो गाइस यहाँ पर आप इको भी सुन रहे होंगे मंदिर के अंदर, किस प्रकार से इको आ रहा है। तो गाइस यहाँ से मंदिर का एंड हो जाता है। तो गाइस ये ठीक सामने है मंदिर के, ये यहाँ पर बावड़ी है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब चमत्कारी बावड़ी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो यहाँ पर सारे दूर हो जाते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर मछलियाँ भी हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी हर तरह की आपकी मछलियाँ दिख जाएगी। ये है तेजाजी महाराज का मंदिर, श्री तेजाजी महाराज, और यहाँ पर लगा हुआ भी है बोर्ड श्री छप्पन देव मंदिर। सो गाइस ये डेस्टिनेशन है पूरी फिलहाल में। तो गाइस यहाँ से अपन निकल चलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, बहुत अच्छा व्यू
रहा है देखने के लिए। तो गाइस चलते हैं, आ जाएगा। तो गाइस हमारा बोल रहा है, तो गाइस मैंने आपको जैसे कि बता ही रखा है, ग्रुप में भाई भी बता रहा है कि आपको यहाँ पर डैम भी दिखाया जाएगा एंड पावर हाउस भी दिखाया जाएगा जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम दोनों जा रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, तो निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो देख सकते हो यहाँ पर व्यू वगैरह भी गाइस बहुत प्यारा देखने को मिलता है। सीधा जो रास्ता जाता है ये नर्मदा पुल की ओर जाता है एंड ये जो सीधा रास्ता जाता है यहाँ से हम जलेश्वर महादेव जा सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये नर्मदा ब्रिज है, वहाँ पर जाता है ये रास्ता एंड ये यहाँ पर थोड़ी सी आगे पास में ही दीपिका ढाबा भी है एंड ये हमारा जलेश्वर महादेव जाने का मंदिर है। ये साथ ही साथ खरगोन कसरावत जाने का रास्ता भी यही है और ये जलेश्वर महादेव जाने का रास्ता ये है। यहाँ पर से बिजली उत्पादन की सारी लाइट वगैरह कनेक्शन एंड डीपी वगैरह अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है एंड ये सीधा सीधा रास्ता है गाइस, आपको किधर भी नहीं मुड़ना है। सो गाइस फाइनली इतना इंतजार करने के बाद 10-15 मिनट का रास्ता है एंड उसके बाद अपने को देखने को मिल जाता है यहाँ पर जलेश्वर महादेव का रोड। सो गाइस चलते हैं एंड इस साइड एस कुमार गेट देखने को मिल जाएगा और इस साइड अपन जाएंगे ACW के साई मंदिर। तो ठीक है गाइस, पहले अपन चलते हैं जलेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस उसका रोड ये। तो गाइस देख सकते हो आप, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पावर सोर्स भी अपने को देखने को मिल जाएगा जैसे कि पावर हाउस वगैरह। तो गाइस यहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग हो जाती हैं यहाँ की। तो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं हमारी मेन डेस्टिनेशन की ओर। ये पावर हाउस गाइस आपका आते में दिखाया जाएगा। यहाँ से डैम की शुरुआत भी होती है तो गाइस आपको वो भी दिखाया जाएगा, जरा सब्र करो। तो गाइस यहाँ पर हम हमारी मेन डेस्टिनेशन की ओर पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ पर है जलेश्वर महादेव मंदिर एंड यहाँ पर जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं एंड दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की ओर। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मेन डेस्टिनेशन की ओर और ये हमारा थोड़ा सा चुतिया सा फ्रेंड वैसे चुतिया तो नहीं बोल सकते यार, अपना अच्छा बंदा फ्रेंड है, अच्छा है, मतलब दिल का साफ है, अपने को क्या चाहिए चुतिया, ये हर एक फ्रेंड कमीना ही होता है तो सब ने सोच रखा है, सोच क्या सब ने महसूस भी कर ही रखा है। तो गाइस यहाँ पर महादेव मंदिर का जो पहले महादेव मंदिर आता है ये वो है और अपने मेन महादेव तो आपको अभी दिखाना बाकी है। तो गाइस यहाँ से आप पहले ये देख लो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पर है मेन महादेव, पहले इनके दर्शन होते हैं एंड उसके बाद अंदर चलते हैं अपन, ये नंदी बाबा। सो गाइस पहले परिक्रमा दे देते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि बहुत पूरा प्राचीन समय के आपके मंदिरों में घुमाने ले जा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो, आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये तो थोड़ी सी अभी यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं ताकि पब्लिक सोर्स यहाँ पर ज़्यादा आ सके। तो गाइस यहाँ पर अपने महादेव मंदिर,
मेन रास्ता है ये जाने के लिए महादेव मंदिर। तो गाइस यहाँ से मेन हमारा फ्रेंड जा रहा है आगे आगे। तो गाइस वहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हैं ऐसे ही वहाँ पर, जैसे आप लोगों को किसी को भी ऐसे जैसे मीटिंग वगैरह करनी होती है तो गाइस ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एंड गाइस देख सकते हो आप कितना ही जंगली जंगल है आसपास, पूरी ग्रीनरी है आसपास। एंड आपको मैं जैसे बता ही रहा था डैम है आपको देखने को मिल जाएगा, नर्मदा नदी है देखने को मिल जाएगी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक है यहाँ का एंड बहुत ही ऑसम बैकग्राउंड है। तो गाइस चलते हैं आगे। प्राचीन समय की है, शिवलिंग भी है। गाइस चलते हैं। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा पूरा बैकग्राउंड है एंड यहाँ से आपको डैम भी देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही ऑसम लुक है पीछे का। एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही प्राचीन समय की शिवलिंग है एंड आसपास का व्यू भी बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है आपको। तो देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी लुक देखने को मिल जाती है एंड पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है आसपास है। प्राचीन समय से इनको बोला जा रहा है जलेश्वर महादेव टेंपल है ये। तो गाइस यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप ये पीछे देख ही रहे हो जो नर्मदा नदी बह रही है। तो गाइस ये यहाँ पर जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, जैसे कि बरसात का समय चल रहा है अभी एंड आगे से पानी आता है, तो गाइस ये जितनी भी सारी ये ग्रीनरी वगैरह आप सब देख रहे हो ना यहाँ, ये सब पूरी ख़त्म हो जाती है एंड यहाँ तक पानी आ जाता है। एंड ये जो आप ये जो होल्स देख रहे हो, ये होल्स के अंदर से पानी बाबा की शिवलिंग पर जाता है एंड बहुत ऑसम लुक आता है। वैसे यहाँ पर जैसे ही बाढ़ वगैरह टाइप में आती है, जैसे पानी ज़्यादा ऊपर तक आता है, तो यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर आकर रुके वाले हैं। यहाँ पर जो कि पावर हाउस है एंड यहाँ पर सप्लाई होता है पूरे आसपास के गाँव में बिजली का। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं एंड दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से सारा कुछ व्लॉग्स रहता है। तो गाइस चलते हैं वहाँ पर एंड देखते हैं वो पावर हाउस देखने को मिल रहा है, जो देख सकते हो आप मेरे जो फिंगर का पॉइंट है वहाँ पर। तो गाइस यहाँ से चलते हैं। तो गाइस इस लोकेशन को बाबा कह रहे हैं एंड जा रहे हैं पावर हाउस की ओर एंड आपको डैम भी दिखाया जाएगा वहाँ से। अगर वहाँ पर हमको परमिशन दे दी जाएगी तो हम वहाँ पर से आपको डैम भी दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है इस वजह से वहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं देते हैं। तो गाइस देखते हैं आप हमको लक हुआ तो जाने देते हैं या नहीं, तो दिखाते हैं आपको आगे का।